आरजे बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा सागर। सबसे पहले तो गुरु गोविंद सिंह महाराज के शुक्राना समारोह में आप सभी को लख लख बधाइयां। कैंपस के बीच में एक सुंदर सरोवर है जो तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। सरोवर है जी, इतने जो भी मतलब संगत आदि ने अपनी मनोकामनावान लैके इतने मतलब सारिया मनोकामना पूरिया होंगे जी। इतने गुरु के बाग च मतलब बूटे भी लाने ने जिन्हों को मतलब किसी बच्चे की या कोई किसी भी किस्म की परिवार से कोई आपकी सुख शांति वास्ते वो मनोकामना पूरिया होंगे जी। जो कोई श्रद्धा लैके आता है मतलब सारा खुशियाँ प्राप्त होंगे सब। मानसा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छे प्रबंध किए हुए हैं, लंगर मुख्यमंत्री हैं, टॉयलेट का फलाश का रहने के लिए रूम का बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बड़ा बड़ा वीडियो लेडी संगत को अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत पंजाब से पटना साहब के लिए आए और आगे दर्शन करें, दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाए। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुलवंत सिंह। पांच इमली दे दरख्त दे थले बैठे सन, वो आया होया टुटिया होया है, ये इथों का इतिहास है। बाकी गुरु कर प्रसाद बाग रहीम बख्श करीम बख्श नवाब का था, जो किसी फकीर के शराब से ये बाग कई सालों से सूखा हुआ था। जब गुरु तेग बहादुर जी महाराज असम देश से धर्म का प्रचार करते हुए इस बाग में उनका चरण पड़ा, ये बाग हरा भरा हो गया। ये देख के यहाँ का माली अपने नवाब को लेके आया। गुरु साहब जी पूछे, भाई ये किसका बाग है? नवाब ने सहज भाव से बोला, गुरु का बाग है, आपका बाग है। तो गुरु साहब जी बोले कि यदि आप गुरु का बाग मानते हो तो इसको चारों तरफ से दीवार करा के एक बाहर में बोर्ड लगा दीजिए, गुरु का बाग। उसी समय से इस स्थान का नाम गुरु का बाग पै गया। यहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है बाहर से? यहाँ पर आने जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको लंगर रहने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 24 घंटा लंगर गुरु का चल रहा है, सुबेर में नाश्ता चाय का लंगर चलता है। जगह के नीम के पेड़ की पुरानी कहानी है जो मैंने बचपन में दादी माँ से सुनी थी। जब सेवा दल से आकर यहाँ बात किया तो उन्होंने भी सेम स्टोरी सुनाई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नीम से दातन किए थे और उसको गाड़ दिए थे और बोले कि समय आएगा और उसमें अपना कड़ा डाल दिया और बोले जब समय आएगा तो इससे पेड़ हो जाएगा। कुछ समय के बाद ये पेड़ टूट जाएगा, उसमें से कड़ा निकलेगा, वही वो नीम का पेड़ है जिसे गुरु साहब जी दातन करके गाड़े थे। यहाँ पर जिन लोगों के घरों में कोई संतान औलाद नहीं होता या कोई रोगी होता या कोई दुखी होता है, गुरु साहब जी यहाँ पर बर दे के गए हैं। सामने सरोवर के पास में कुआं बना है, उस कुएं के जल से अमावस्या के बाद सप्तमी आता है, उसी सप्तमी के सप्तमी जो भी उस जल से स्नान करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, यही उस खू का मान्यता है। मेरा नाम अजैब सिंह ग्रंथी है। ये गुरुबाग का बगीचा है जहाँ बहुत सारे आम के पेड़, नीम के पेड़ और भी बहुत सारे पेड़ हैं जो आपको छाव देने के लिए खड़े हैं। बिहार सरकार, बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है प्रकाश उत्सव पर। जितने भी फर्स्ट एड से रिलेटेड जितने भी इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं सभी तरह की मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल है।
मरीज को लिटाने के लिए बेड भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की गई है इमरजेंसी के लिए, और आपको बेड पर लिटाने के लिए उनको आईवी लाइन देना है, इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह देने हैं उसकी भी व्यवस्था की गई है इमरजेंसी केस में, और ये इस टाइप की हो गई कटे छटे का सभी तरह का इलाज है। और यहाँ से अगर कुछ विशेष किसी तरह का मरीज़ को ज़रूरत है इमरजेंसी केयर के लिए, आईसीयू के लिए, तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह अस्पताल है, वहाँ पेशेंट के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल है, और एम्बुलेंस के माध्यम से उनको हम लोग रेफर कर सकते हैं। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रोहन प्रकाश। सब्सक्राइब करें और बाबा जी आप सब पे मेहर बनाए रखें। शुक्रिया।